अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट मैथ्स वर्क ऑफ ग्रेड टू। टुडे आवर टॉपिक इज़ इक्वल पार्ट्स। डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको फ्रैक्शंस में राइट करना होता है और उनका नेम भी बताना होता है। फर्स्ट में यूनिट फ्रैक्शंस हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके अपर पार्ट में 1 होता है और डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी नंबर होता है। राइट द यूनिट फ्रैक्शन एंड देयर नेम। यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन में हाउ मेनी पार्ट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल आर 8 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपने नीचे राइट करना होते हैं और जो कलर्ड पार्ट होते हैं वो ऊपर राइट करना होता है। 1 आर इज़ कलर्ड 1/8। 1/8 इज़ आल्सो कॉल्ड 1/8। 1/8। सिमिलरली बी पार्ट, 1 इज़ कलर्ड, दिस इज़ यूनिट फ्रैक्शन। एंड हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 7। 1/7, दिस इज़ अ फ्रैक्शन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1/7। डू दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक। पेज नंबर 99, मोर फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन बाय कलरिंग द गिवन शेप्स करेक्टली। कलर्स करने हैं इसमें आपने अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन जो गिवन है। 2/5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 5 एंड 2 आर कलर्ड। 2 पार्ट्स का कलर करना है। डू दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के नेम राइट करने हैं। 4/5, इसको वर्ड्स में राइट करना है। 4/5। थ्री बाय सिक्स, 3/6। सिमिलरली डू ऑल क्वेश्चन ऑन योर बुक। पेज नंबर 100, राइट फ्रैक्शन फॉर द गिवन शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग आपने फ्रैक्शंस को राइट करना है। फर्स्ट में 1 इज कलर्ड, तो 1 ऊपर राइट करना है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 3, 1, 2, 3, सो राइट डाउनवर्ड या नीचे राइट करना है। सेकेंड पार्ट में 3 आर कलर्ड, 3 ऊपर राइट करेंगे फ्रैक्शन के और डाउन में 6। डू दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक। दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। Complete this chapter carefully and open page number 166, practice sheet 3. Practice sheet 3 आपने book पे करना है। Color half of each shape, इनको आपने half में पहले divide करना है और उसको फिर color करना है। For example, first is rectangular shape है एक, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 पार्ट्स हैं। 6 6 में डिवाइड करना है और इसको हाफ में डिफरेंट कलर करना है, हाफ में डिफरेंट कलर। क्वार्टर ऑफ ई शेप, क्वार्टर मींस 1/4। आपने ई शेप को 1/4 में डिवाइड करना है, देन कलर ईच पार्ट। पेज नंबर 167, प्रैक्टिस शीट 4। प्रैक्टिस शीट 4 में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स करने हैं। डिफरेंट नंबर्स गिवन है। रिमेंबर दैट इवन नंबर्स आर दोज विच एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। वो नंबर्स जिनके एंड पे लास्ट नंबर पे वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो दोज नंबर्स आर इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 342, लास्ट पे इसके वंस प्लेस पे 2 है, 2 इज इवन नंबर, सो दिस होल नंबर इज इवन। नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके एंड पे वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स हों, तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 199, लास्ट में वंस प्लेस पे 9 है, 9 इज ऑड, सो दिस होल नंबर इज ऑड वन। लुक एट द नंबर्स ऑन द ग्रिड एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो।
इस ग्रिड को आपने अच्छी तरह देखना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। द लार्जेस्ट इवन नंबर, इसमें से सबसे बड़ा जो इवन नंबर है वो राइट करना है। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर राइट करना है। डू ऑल क्वेश्चन ऑन योर बुक। अल्लाह हाफिज़।